पेज नंबर 134। ओके क्लास, ये पेज नंबर 134 पे आपकी एक्सरसाइज है। तो ये चैप्टर 10 है और इसमें आप मनी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 आपका क्या है? मनी, फिल इन द प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर आपको ये जो ब्लैंक्स बॉक्सेस बनाए हुए हैं इसमें आपको फिल करना है कि क्या डिजिट आएगी। जैसे हाउ मेनी 25 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि एक रुपए, और रुपी मतलब एक रुपया बना दें। ओके, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मेनी 20 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि वो एक रुपये बना दें। फिर हाउ मेनी 5 पैसे क्वाइंस, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि वो एक रुपये बना दें। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप यहाँ देखिए। हाउ मेनी 25 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि एक रुपये बना देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, एक रुपये में 100 पैसा होता है ना। तो आप 100 को 25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 25 फोर जा 100 होता है, यानी कि जो आपका आंसर है, क्वेश्चन है, वो आपका आंसर हुआ। ओके, यानी कि 4 आपका आ रहा है आंसर में, सो 4 क्वाइंस आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 20 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि वो एक रुपये बना देंगे। तो यहाँ पर भी आप पहले रुपए को, रुपी को क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करिए। तो उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को आप जैसा कि जानते हैं एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे हो गए। और पैसे यहाँ पर भी पूछा है कितने पैसे, किस 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप 100 को 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, 100 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 जा 100 होता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 5 क्वाइंस, यानी कि 20 पैसे के अगर 5 क्वाइंस होंगे तो आपका एक रुपये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि वो एक रुपये बना दें। तो यहाँ पर भी आप पहले रुपी को पैसे में कन्वर्ट करोगे। सो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, एक रुपया है तो 100 पैसे हो गया। अब 100 को आप 5 से डिवाइड करो, सो 5 2 जा 10, ओके, कट जाएगा, जो 0 बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर आपका चला जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 20 क्वाइंस, यानी कि 5 पैसे के अगर 20 सिक्के होंगे, 20 क्वाइंस होंगे, तो आपका एक रुपये बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 10 पैसे क्वाइंस मेक अ रुपी, 4th क्वेश्चन है, यानी कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि एक रुपये बन जाएगा। यहाँ पर भी आप पहले रुपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में, क्योंकि यहाँ पर भी पैसे पूछा है ना, पैसे के हिसाब से, तो आप पहले रुपी को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 100 को आप 10 से डिवाइड करो, तो आपको टेबल 10 का तो आता ही है, 100 10 जा 10 100, सो वॉट इज योर आवर आंसर, 10 क्वाइंस, 10 सिक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी 50 रुपी नोट मेक 100 रुपीज। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 50 के कितने नोट होंगे कि आपके 100 रुपए बन जाएंगे, है ना, कितना बनाना है, 100 रुपीज बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी रुपी है, यहाँ पर भी रुपीज है ना, तो यहाँ पर अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ये जो डिजिट है, आप इसको सेकंड वाली डिजिट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी 100 डिवाइडेड बाई 50। 50 का आप टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 50 2 जा 100, सो अगर 50-50 के दो नोट अगर आपको मिल जाए तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 रुपी नोट मेक अ 100 रुपी नोट। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी अब रुपी पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी रुपी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 5 2 जा 10, और ये जो 0 है वो ऊपर चला जाएगा, ओके, क्वेश्चन में, सो 20 नोट्स, है ना, 5 रुपए के अगर आपके पास 20 नोट होंगे तो आपको, आपके कितने पैसे बन जाएंगे, पूरे 100 रुपए बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 में क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो सिंपल, जैसा आप ऐड करते हैं ना, वैसा ही ऐड आपको यहाँ पर करना है। देखिए, जैसे 6 एंड 8 14, 14 का आप केवल 4 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 3 1 4 एंड 4 8, 84
रुपीज लिखना मत भूलिएगा, ये आपको लिखना जरूरी है. ओके नेक्स्ट 9 4 13 3 वन कैरी 5 1 6 एंड 2 8. ओके नेक्स्ट 9 6 15 15 एंड 7 22 22 का आप केवल 2 लिखेंगे एंड 2 कैरी हो जाएगा. 7 2 9 1 10 9 19 वन कैरी 3 1 4 4 2 6 1 7. उसी तरह से बाकी भी आप प्लस देख सकते हो कि उसी तरह से जैसे सिंपल प्लस अभी तक आप करते आए थे, एडिशन आप करते आए थे, वैसा ही एडिशन आपको यहाँ पर भी करना है. ओके क्लास, तो बिल्कुल वैसा ही एडिशन आप करेंगे, बस सिंबल जो बनाए हुए हैं रुपीस का, तो रुपीस का सिंबल बनाएंगे. ओके जैसे यहाँ पर ये रुपीस का सिंबल जैसे आप देख सकते हैं कि बनाया गया है आंसर में, अगर पैसे हैं तो आंसर में आप पैसे लिखेंगे. ओके तो ये जो भी एडिशन है पेज नंबर 136 इसको आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे. ओके थैंक यू.